और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आबकारी घोटाले को लेकर के कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ पुतला भी जलाया गया है मनीष सिसोदिया का। तो केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर की गई है। वो तस्वीर जरा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तस्वीर कैसी, कि किस तरीके से पुतला दहन किया गया और पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के तरफ से की गई। हालांकि उस नारेबाजी को भी हमने आपको सुनवाया था कि कैसे नारेबाजी मनीष सिसोदिया के खिलाफ की जा रही है और साथ ही साथ उनके इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही। तो आम आदमी पार्टी के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बताया जा रहा था, जहां कांग्रेस पहुंची और उसके बाद से उन्होंने कहा कि ईडी और साथ ही सीबीआई की अगर एंट्री है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हम यही मांग करते कि निष्पक्ष जांच हो, और साथ ही मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग तक कर दी गई। हालांकि दोपहर 12 बजे का वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है, जब आम आदमी पार्टी दोपहर 12 बजे अपना स्पष्टीकरण साझा करेगी। जिस तरीके से 14 घंटे की पूछताछ सीबीआई की तरफ से बीते कल हमने देखा था, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 14 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर में मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीबीआई के छापे पर बोलेंगे मनीष सिसोदिया। कल सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा था और उसके बाद आज ये पहली बार, देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया भी इस वक्त आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत, तमाम कागज और दस्तावेजों के साथ मनीष सिसोदिया पूरे तैयार नजर आ रहे हैं और इंतजार होगा कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। कल 14 घंटे से अधिक, मैं एक तो कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सके, उससे दुनिया को बता सके। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी मैं ये देख रहा था कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, आपने भी देखा होगा, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थी। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी उसकी, कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थी। कोविड के दौरान लाखों लाशें मां गंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी उसकी तस्वीर, उसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1.5 साल पहले। जब ये खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी तो एक भारतीय के नाते थोड़ा अपने आप पे शर्म आई थी, अपनी गवर्नेंस पे शर्म आई थी, अपने मॉडल पे शर्म आई थी। दुनिया में कोविड हैंडल हो रहा था लेकिन हम ऐसे हैंडल कर रहे थे, इस पे शर्म आई थी कि भारत में कोविड ऐसे हैंडल हो रहा है। कल जब ये खबर छपी तो एक भारतीय के नाते सबको गर्व हुआ कि भारत में एजुकेशन का ऐसा मॉडल है जिसको न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार फ्रंट पेज पे लीड स्टोरी बना बना के पूरी पिक्चर और पूरी स्टोरी छाप रहे हैं, इतना बड़ा आर्टिकल छाप रहे हैं। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबर मेरी उपलब्धि नहीं है, ये खबर मेरी वजह से नहीं छपी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी तारीफ हो रही है। ये एक्चुअली दिल्ली के टीचर्स की तारीफ है। तो आज जब न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे दिल्ली के टीचर्स का काम छप रहा है और सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है तो मैं दिल्ली के टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से लगे रहिए, लाखों करोड़ों बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को याद रखेंगी कि दिल्ली के टीचर्स ने और दिल्ली के बच्चों ने
इतनी मेहनत की कि उनका काम दुनिया में, सारी दुनिया के सर चढ़ के बोला, सारी दुनिया में भारत की तारीफ का कारण बना। ये हम सबके लिए और खासतौर से हमारे टीचर्स के लिए गर्व की बात है। कल मेरे घर सीबीआई के ऑफिसर्स आए थे और दिल्ली सचिवालय में मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर का डिप्टी सीएम का ऑफिस है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी। सारे ऑफिसर्स दोनों जगह बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से सबने बहुत व्यवहार किया। उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उसकी तामील उनको करनी है। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पर नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से वो पॉलिसी तैयार की गई। अगर दिल्ली के एलजी साहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी को फेल करने की साजिश के तहत अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम 10,000 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे होते। ये लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने, मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1,100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था, ना 1,100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1,100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है, बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि इस पूरे शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या है, इसका सच क्या है। सच यह है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं, जो लोग सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना।